रिलायंस पावर जो आज फोकस में है क्योंकि बोर्ड से इसको पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। क्या है डिटेल्स, कितने पैसे रेज कर रहे हैं, इन सब डिटेल्स के साथ हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी। अब देखिए, यहाँ पर रिलायंस पावर को जो है पूंजी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी इनके बोर्ड से, और ये आगे चलकर अपना जो कर्ज है उसको रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलायंस पावर को फंड रेजिंग जो है यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा जो इनके प्रमोटर्स हैं उनको ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करते हुए नजर आएंगे। करीब 1325 करोड़ का कुल जो है शेयर्स और वारंट्स मिलाकर जारी किया जाएगा। इनफैक्ट QIB और साथ ही FCCB के जरिए भी फंड रेजिंग के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है रिलायंस पावर के बोर्ड से। साथ ही जो इनका कर्ज की जो मैं बात कर रहा था, कंसोलिडेटेड आधार पर अगर आप देखेंगे तो इनका कर्ज FY22 में करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से कम होता हुआ दिखेगा इस फंड रेजिंग के बाद। इनफैक्ट जो प्रेफरेंस शेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा और जो प्रमोटर कंपनी है, प्रमोटर ग्रुप है इनफैक्ट टोटल, वो उनका प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर 25% स्टेक हो जाएगा मौजूदा 9% से बढ़कर, और अगर वारंट्स को भी इंक्लूड करें तो ये हिस्सेदारी जो है 38% रिलायंस इंफ्रा और प्रमोटर ग्रुप की अगर आप टोटल होल्डिंग देखेंगे तो वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट हाल ही में रिलायंस इंफ्रा जो कि रिलायंस पावर के वना तो प्रमोटर्स है, उन्होंने भी फंड रेजिंग की थी करीब करीब 550 करोड़ रुपए की, जिसमें अनिल अंबानी ने फंड किए थे करीब 400 करोड़ रुपए, और यहां पर इनका जो स्टेक है रिलायंस इंफ्रा में वो बढ़कर 5% से 23% हो गया था। तो ओवरऑल आप देखिए पूरा ADAG स्पेस में वापस से हलचल एक लौटती हुई नजर आई है इस बोर्ड की मंजूरी के बाद फॉर फंड रेजिंग। डेफिनेटली आप देखिए रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आती हुई दिखी थी क्योंकि पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है रिलायंस पावर को, तो इस स्टॉक में भी भरपूर एक्शन है।